अब हम लोग बात करेंगे सीएसएस के टैक्स इफेक्ट के बारे में। देखिए सीएसएस का एडवांस सब लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें टैक्स कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, और यही सब प्रॉपर्टीज है जो पांच प्रॉपर्टीज है इनके बारे में हम बैक टू बैक जानते हैं। तो पहला है टैक्स एलाइन लास्ट प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि ये लास्ट लाइन पे आपको डीएन करता है, सीएसएस करता है, और उसका मतलब प्रॉपर्टीज में चेंजिंग करता है। इसके इतने सारे वैल्यू है, आउटो, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ठीक है, और स्टार्ट और इंड। तो एक एक कर कर देखते हैं। इसमें भी क्या करता हूँ, छोड़ देते हैं, एक में तीन, एक में दो लाइन। अब मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, अब हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट डैश लगाएं और एलाइन लास्ट लिखेंगे, और इसके बाद ऑटो तो बाय डिफॉल्ट होता है। अगर जैसे मैं सेंटर करूँगा, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो जो लास्ट लाइन होता है वो बीच में आ जाएगा। अगर मैं राइट करूँगा तो ए राइट में आ जाएगा, अगर मैं लेफ्ट करूँगा तो ए लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं जस्टिफाई करूँगा, जस्टिफाई सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए क्या करता है जस्टिफाई में, कि ये पूरा लाइन के बराबर करता है आगे और पीछे। ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, ये पूरा ये बराबर कर देता है जस्टिफाई में। अब अगला है कि जिसे स्टार्ट स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट वाले में देखिए यहाँ से शुरू हो गया, पर जैसे ही हम लोग और फिर इंड करेंगे, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ आ गया। पर जैसे मैं इसका डायरेक्शन बदल दूंगा, डायरेक्शन, और यहाँ पर कर दूंगा, अभी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट होता है, अगर राइट टू लेफ्ट करूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया उसका, पहले उधर से आ रहा था, अभी इधर से आ गया। अब इंड की है, अगर मैं स्टार्ट करूंगा अब क्या करेगा, तो अब उधर साइड चला जाएगा। तो ये डायरेक्शन के बारे में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा इस पर विशेष बात नहीं करते हैं, और नहीं पढ़े तो मेरे जो प्लेलिस्ट है सीएसएस का उसमें जाए और पढ़ें। अब देखिए टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि कोई भी डिव के अंदर या किसी एलिमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा है, अगर वो ज़्यादा हो जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए है कि दो वैल्यू है इसके, क्लिप और इलिप्स। ये दो है, तो क्लिप बाई डिफॉल्ट होता है। इलिप्सिस में क्या होता है, जिसे लिखिएगा, जैसे ही ज़्यादा होगा तो आपको डॉट डॉट दिखाई दे लगेगा। तो इसको लिखने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट है, एक तो व्हाइट स्पेस नो रेप होना चाहिए और ओवरफ्लो हिडन, ये दो प्रॉपर्टीज को आपको यूज करना ही है। तो चलिए एग्जांपल में देखते हैं, और एक काम करते हैं, मैं यहाँ से यहाँ तक को कोड को कमेंट कर देता हूँ, नीचे का जो भी डिव है, और एक काम करते हैं कि ये वाला यहाँ से एक कॉपी कर लिए एक लाइन, और ये ऊपर वाले पैराग्राफ को भी कमेंट कर दिए, और एक मैं डिव लिखता हूँ, और डिव के अंदर बस मैं पैराग्राफ लिखूंगा और एक थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे डाल दिए, बस इतना ही। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करता हूँ, डिव का मैं देता हूँ विथ दे देता हूँ 100 पिक्सल, और हाइट भी दे देता हूँ 150 पिक्सल, और सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने से पहले इसका बॉर्डर दे देते हैं BORDR बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड हॉट पिंक, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। अभी देखिए क्या हुआ, एक टेक्स्ट ऐसे आ गया। अब उन लोगों को क्या चाहिए, टेक्स्ट ऐसा ना दिखे, मतलब ये डब्बा को ना हो, सीधे लाइन में रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, डिव को सेलेक्ट करेंगे, और डिव के अंदर पैराग्राफ में इसके अंदर हम लोग लिखेंगे वाइट स्पेस, वाइट स्पेस, और यहाँ पर नो रेप सेलेक्ट करूँगा, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। ये देखिए एक लाइन में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ओवर फ्लो कर देंगे हिडन, अभी मैं सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो जो भी इसके बाहर का जो भी एलिमेंट आ रहा था वो हट गया। तो अब यहीं पे हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट यूज होगा, टेक्स्ट ओवरफ्लो, टेक्स्ट ओवरफ्लो। तो बाय डिफॉल्ट क्लिप्स होता है, लिखे या ना लिखे, जैसे मैं इलिप्स लिखूंगा और सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, देखिए आगे का क्या कर दिया, डॉट डॉट, तो मतलब आगे ये एलिमेंट है। अगर आपको देखना है तो आपको क्या करेंगे, डिव और डिव के अंदर जो पैराग्राफ है उस पर होवर इफेक्ट लाएंगे HOVER, और क्या करेंगे, ओवर फ्लो को कर देंगे विजिबल। अब मैं सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, जैसे मैं ले जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए दिखने लगेगा, ठीक है, दिख रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे इलिप्सिस की जगह मैं क्लिप जो बाई डिफॉल्ट होता है सेव करूँ, रिफ्रेश करूंगा, तो ऐसे दिखेगा, फिर भी अगर ओवर करूंगा तो दिखेगा, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, अब देखें हम वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसमें देखिए क्या होता है कि वर्ड को ब्रेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है। अब ब्रेक ऑल होता है कि जैसे ही उस एलिमेंट से ज़्यादा होगा तो वहीं पे काट देगा और उसको आगे कर देगा, जैसे कि प्रिवेंट है और ये ज़्यादा हो रहा है मान लीजिए भी के बाद, तो ई एन टी अगले लाइन में कर देगा। और कीप ऑल होता है कि अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, नॉर्मल जैसे ही काम कर रहा है, और ये सब जो लैंग्वेज है इस पर तो सपोर्ट ही नहीं करता है। मैं भी यूज करूँ कीप ऑल तो नॉर्मल जैसा ही बता रहा है, तो हम लोग देखेंगे ब्रेक ऑल। तो अभी देखिए ऐसा हमारा डिव है, तो क्या करेंगे डिव के अंदर अगर पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, वर्ड ब्रेक मैं सेलेक्ट करता हूँ, और अगर मैं ब्रेक ऑल करूँगा सेव करूँगा और मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए प्रिंटिंग अगला लाइन में आ रहा था पर आई एन के बाद काट दिया। अगर मैं कीप ऑल करूँगा कीप ऑल तो सारे को रख लेगा देखिए, और नॉर्मली जैसा आ गया, और नॉर्मल भी करूँगा तो अभी नॉर्मल ही रहेगा। तो इसमें हमारा इम्पोर्टेंट अभी है ब्रेक ऑल, ठीक है। अगला है वर्ड रैप प्रॉपर्टी, इसका उपयोग हम लोग वर्ड को ब्रेक करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं, पर बड़ा बड़ा वर्ड करने के लिए। नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है, अब ब्रेक वर्ड वो अपने से अंडर मार्कर करके वर्ड को ब्रेक कर देगा, दिखाते हैं। अभी मैंने इसको हटा दिया, कमेंट कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखिए ऐसा है। और एक काम करता हूँ, इसको भी मैं सटा देता हूँ और इसको भी मैं सटा देता हूँ, अब सेव करता हूँ रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए सटा है और इसको भी मैं, इतना बड़ा ये वर्ड है, ठीक है। ये देखिए अब हम लोग क्या करेंगे उसको सही करने के लिए, हम लोग वर्ड रैप करूँगा, वर्ड रैप, और जैसे ही मैं ब्रेक वर्ड करूँगा और सेव करूंगा रिफ्रेश करूंगा तो उतना के आगे काट देगा और अगला लाइन में भेज देगा। इसको हम लोग बड़ा जो भी टेक्स्ट रहता है उसको यूज करने के लिए करते हैं, हम काटने के लिए। सिमिलरली कुछ कुछ आपको पीछे वाला जैसा ही लग रहा होगा। राइटिंग मोड प्रॉपर्टी में हम लोग जैसे भी कैसे कैसे हम लोग टेक्स्ट लिखना है वैसे लिख सकते हैं। अभी देखिए क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल टीवी में ऐसे हम लोग लिखते हैं, पर वर्टिकल राइट और वर्टिकल लेफ्ट की ओर लिख सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल टीवी मतलब कि जैसे ये लिखा है हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल ऊपर से नीचे की ओर राइट टू लेफ्ट, और वर्टिकल लेफ्ट राइट मतलब वर्टिकल लिखा है पर लेफ्ट राइट की ओर। अभी एग्जांपल में दिखाता हूँ, एक काम करते हैं ये पैराग्राफ को मैं कमेंट कर देता हूँ और एच वन लिखता हूँ और लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सेव करता हूँ रिफ्रेश करूँगा, तो ये अभी क्या है हॉरिजॉन्टल टीवी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका अगर चेंज करना होगा स्टाइल तो क्या करेंगे, H1 को मैंने सेलेक्ट किया, राइटिंग मोड पर मैं जाऊंगा, राइटिंग मोड लिखूंगा, राइटिंग अब मोड। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके और भी देखिए साइड वे लेफ्ट राइट और साइड वे राइट लेफ्ट, अभी सभी ब्राउजर नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो आने वाले समय में इसको देखा जाएगा, अभी मत इस पर ध्यान दीजिए, आपको इतना ही सब बहुत काम हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल टीवी तो बाय डिफॉल्ट ही होता है जो लिखे हैं देखिए, पर जैसे ही अगर आपको वर्टिकल लिखिएगा, वर्टिकल लेफ्ट से राइट, सेव करूंगा रिफ्रेश करूंगा, देखिए वर्टिकल ही आ गया पर हेलो नीचे आ गया और वर्ड ऊपर चला गया। और वर्टिकल जो राइट टू लेफ्ट करिएगा, सेव करूंगा रिफ्रेश करूंगा, क्या होगा ऊपर से आया हेलो और नीचे आ गया वर्ड, ठीक है। इसके लिए इन दोनों का उपयोग किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।